गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम यशव पांडे एम वेंटर फॉर इंग्लिश एंड आई वेलकम यू टू एम बाई बचीव बैंक एंड इन्श्योरेंस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल सुबह के बज रहे हैं साथ और आपका एनालिसिस होता है शुरू ना आज की क्लास में वैसे तो डिस्कस करने के लिए काफ़ी कुछ है बट एक मुद्दा जिसके ऊपर हमारी सरकार में और इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स में और पब्लिक में जो लगातार एक टसल चल रही थी वो थी हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन और हमारी जो जानकारी सरकार लेना चाहती है उसके बारे में राइट तो आज एक आर्टिकल हम उससे रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं देर इज़ अन अदर आर्टिकल विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल बट वो आर्टिकल आप लोगों को हम कल पढ़ाएंगे वन थिंग ऑल्सो दैट आई वॉन्ट टू एड ऑन इज़ दैट कि जब हम आपको कल का आर्टिकल पढ़ाएंगे दैट आर्टिकल इज़ ब्यूटिफुली फ्रेम्ड अबाउट हाउ बीजेपी अनलाइक अदर पार्टीज इज़ नॉट सेल्फ कंप्लासेंट किस तरह से बीजेपी आज भी सेल्फ uh, सेटिसफाइड नहीं है और वो हर साल या हर इलेक्शन में आप उनके अलग टैक्टिक्स और अलग तरीके से उनको काम करते हुए देखते हो इसी के ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल आर्टिकल वेरी नाइसली रिटन और पता है ये आर्टिकल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीख भी है बाकी सारी पार्टीज के लिए कि बीजेपी दो इट इज़ बीइंग इन पावर फॉर द नेक्स्ट फॉर द लास्ट टेन ईयर्स वो फिर भी कहीं से भी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है राइट right? तो ऐसे आर्टिकल्स ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है हमेशा से कुछ हिडन मीनिंग होते हैं कुछ हिडन मोटिव्स होते हैं तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे बट फिलहाल के लिए आज का सेशन शुरू करते हैं सबसे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी और सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है आप सारे लोगों को मिलकर सेशन को लाइक एंड शेयर करना है अगर अभी तक आप सबने सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो गाइज मेक श्योर दैट यू पीपल आर लाइकिंग एंड शेयरिंग द सेशन एज मच एज पॉसिबल इसके अलावा आप लोगों को करना क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना है आज थर्टीन के हो जाएगा सोचो थर्टीन के इन थ्री मंथ्स अब जाके थ्री मंथ्स हुए हमें नॉट बैड हमारा अपना चैनल ग्रो कर रहा है और वो भी बहुत अच्छे से राइट right? uh, एक काम और कर लीजिएगा आप लोग होमवर्क जैसे आप लोग रेगुलर कर रहे हो ना आप लोग वैसे ही करते जाया करो होमवर्क हो सके तो शेयर कर दिया करो आप लोग व्हाट्सएप पर या फिर आज स्टूडेंट्स टू डू द होमवर्क देयर इज वेल नो आई स्टार्ट द सेन विद अ ब्यूटीफुल थॉट फॉर द डे आई वुड रिग्रेट दट आई हैव डन दैन रिग्रेट दिंग्स दट आई हैव नॉट डन पापा हमेशा कहते हैं जब तक तो कोशिश ही नहीं करो कि पता कैसे चलेगा कि ये होगा या नहीं होगा आई स्टिल रिमेंबर मेरी पहली क्लास थी जब मेरे को इतने सारे लोगों के बीच में घुसा दिया गया था वो भी एक सर्विसमैन ऑफिसर मुझसे कहा था कि आपको डेमो देना है वहाँ पर आई स्टिल रिमेंबर मेरे लेग्स काँप रहे थे लेकिन मेरी आवाज शेक नहीं करी थी है ना मेरे लेग्स काँप रहे थे मतलब मेरा हाथ बिल्कुल पसीने पसीने हो गया था बट मेरे बट मेरी आवाज़ स्ट्रांग थी उस समय भी आई थिंक वॉट मैटर्स इज एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई है ना कम से कम इतना तो रहेगा ना कि चलो मैंने कोशिश तो करी थी ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने कोशिश ही नहीं करी कभी सो दिस इज समथिंग ऑल्सो दैट मैटर्स लाइक मई ब्रादर ही नेवर ट्राइज एनीथिंग न्यू मैं हमेशा कलर्स के साथ चीज़ों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ लेकिन मेरा भाई नहीं करता ही इज़ इंटू ब्लैक ही इज़ इंटू ब्लू ही इज़ इं टू ग्रीन दैट्स इट दैट दैट इज़ वॉट इज एंटायर वॉड्रोब लुक्स लाइक आई एम द पर्सन हू डज ऑल द यू नो ऑल द एक्सपेरिमेंट्स उसके लिए येलो टी शर्ट लाना उसके लिए ग्रे टी शर्ट्स लाना दिस इज वॉट आई डू ही इज़ ब्लैक एंड व्हाइट मतलब जितनी मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ ना चीज़ों के साथ उतना तो वो नहीं करता सो आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट यू नो वो उसका परस्पेक्टिव है चीज़ों को देखने का बट ट्रस्ट मी समाइम्स थिंग्स लुक थिंग्स टर्न आउट इन अ बेटर वे थिंग्स लुक बेटर तो कोशिश करो एटलीस्ट एक ट्राई और दो अगर लग रहा है थक गए हो बहुत एग्जाम दे दिए नहीं निकल रहे एक और कर लेते हैं ना क्या चाहता है, है ना पेरेंट्स को कन्विंस करना आपकी जिम्मेदारी अब आप इतने बड़े हो गए चलिए लेट स्टार्ट विद द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर बिट एवरी होमवर्क सब कुछ होगा आज की क्लास में डिस्कस लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी वो कैब से बट आज ईजी है क्या हार्ड है क्या पता नहीं मैम हम तो आज एंटोनिम्स करने जा रहे हैं आज आप लोगों का जो टॉपिक है आ? आज जो आप लोगों का टॉपिक है दैट इज योर बात है ये सेशन उतना डिफिकल्ट मतलब तो उतना ईजी नहीं होगा जितना आप लोग सोच रहे हो ठीक है नहीं आशीष इट इज नॉट रिकॉर्डेड यू डोंट यूज व्हाट्सएप हा 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 ठीक है ओके, ओके 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 अभी ठीक है चलो नो नो इट इज नॉट रिकॉर्डेड आज एंटोनिम्स होंगे यस 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 दिव्या रेडी सिद्धांत अंशिका गोकुल देर इज एवरी वन आई कैन सी सोमकल आई केन सी सिद्धांत साक्षी देर इज श्रेया देर इज योग्यता स्वागतिका काजल गोकुल चलो भैया शुरू करते हैं क्लास को आप लोगों के साथ आइए सबसे पहले देख लेते हैं कुछ वर्ड्स आप लोगों ने शायद सुने भी नहीं होंगे सो लेट एस स्टार्ट विथ यस्ट वर्ड स्टूडेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट यू नीड टू गिव मी द अपोजिट मीनिंग फॉर द वर्ड फ्लोरिड फ्लोरिड वर्ड का सबसे अपोजिट मीनिंग क्या होगा एवरी वन का तुम ट्रस्ट करने के लिए आए हो सुबह सुबह सात बजे आओ तो मजाक करेंगे सैटरडे छोड़कर कोई भी एडिटोरियल रिकॉर्डेड नहीं होता है जब तक हम जिंदा है तब तक तो नहीं होगा हो गया देर इज कमलेश देर इज अचीव आई थिंक मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर हियर ठीक है ओके लेट्स अ लुक फ्लोरिड है ना फ्लावर से भरा हुआ वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ फ्लोरिड मोस्टली ना रेड कलर के लिए भी यूज़ किया जाता है समथिंग विच इज़ रेड इन कलर किसी के चीक्स का कलर आपको बताना नहीं है यू कैन से इट इज फ्लोरिड फ्लोरिड मोस्टली इज रेड टिंट इट्स अ रेड कलर लेकिन नॉर्मली फ्लोरिड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ हैवीली डेकोरेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा गया है अगली इसको आप लोग क्या बनाना चाह रहे हो इसका एंटोनिम बनाना चाह रहे हो ले योग्यता ऐसे नहीं करना है ठीक है समथिंग वेयर यू कैन सी अ लॉट ऑफ डेकोरेशन अ लॉट ऑफ डेकोरेशन से अगर कोई चीज बनती है ठीक है तो हम उसको फ्लोरिड बोलते हैं अब देखो यहां पर ऑर्नेट इसका सिनोनिम हो गया ना क्योंकि ऑर्नेट का मतलब भी डेकोरेटेड होता है यस yes सोनो और इट ऑल्सो मीन्स डेकोरेटेड राइट वीक नहीं होगा वीक का मतलब होता है फ्लिमजी राइट समथिंग विच इज़ वेरी फ्लिम्जी समथिंग विच इज कमज़ोर ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा अगली का मतलब होता है नॉट ब्यूटिफुल अगली इज नॉट ब्यूटिफुल आप लोग क्वेश्चन ही नहीं समझे डेकोरेशन का मतलब क्या होता है बेटा उसमें बहुत सारे डिजाइन होते हैं राइट right? उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं राइट right? उसी को कहते हैं फ्लोरिड इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स और इसका ऑपोजिट होगा मोनोटनस जिसमें देयर इज ओनली वन कलर वेर देर इज ओनली वन कलर तुम लोग भूले ही नहीं नो no, फैब्रिकेट मिली दूसरी वर्ड होती है फेब्रिकेट का मतलब किसी चीज को खुद से डिजाइन करना आई एम फेब्रिकेटिंग अ मशीन इन माई वर्कशॉप इसका मतलब हम अपने वर्कशॉप में एक मशीन को डिजाइन कर रहे हैं दैट इज कंप्लीट डिफरेंट वर्ड ब्यूटीफुल का अगली होता है ना यार वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है ऑपोजिट अगली होगा ना लेकिन फ्लोरिड इज इंप्लीकेट इंट्रिकेट डिजाइन मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन विद ऑफ कलर्स फ्लोरिड में बार बार क्या बोल रूं देर आर कलर्स देर यू गेट दैट ठीक है हमारा आंसर होगा ऑर्नेट और सॉरी हमारा होगा मोनाटनस जिसमें कोई रंग नहीं है एक ही रंग जैसे कि ये जो मग है ये बिल्कुल ऑर्नेट सॉरी मोनाटनस कलर में है दैट मीन्स इट इज प्योरली वाइट डिड यू गेट द आंसर स्टूडेंट्स ये सोनो डिड यू गेट द आंसर स्टूडेंट्स ये सोनो समझ में आया क्यों हुआ आंसर भैया तुम लोग ऐसे कैसे कर रहे हो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर वापस आते हैं स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर टू फॉर एवरी वन पहला ही क्वेश्चन सब ये एंटोनिम तो, में यही हर बार होता है ये कौन सी नई बात है चलिए वेरिटी What is variety नहीं वो आप लोग सही बोल रहे हो मैंने अभी एक बच्चे का मैसेज देखा है ये yes, दो जगह पे लाइव दिख रहे हैं हम नहीं नहीं वो मैंने टीम को बोल दिया है दे डू इट ठीक है कोई ना कोई ना कोई ना लेट्स uh, वेरिटी का मतलब क्या होता है पता है दिस इज नथिंग बट समथिंग दैट शोज ट्रूथफुलनेस इसको हम वेरिटी कहते हैं ठीक है सच्चाई अब देखो सैंक्टिटी क्या होता है कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ वेरी होली है ना कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा सेक्रेड है या होली है उसको सैंक्टिटी कहते हैं रेवरेंस क्या होता है वी शुड शो रेवरेंस वर्ड्स आर पेरेंट्स रेवरेंस इज नथिंग बट रिस्पेक्ट राइट रेयरिटी कोई चीज़ अगर रेयर है तो वो अनयूजल है ठीक है वो अनयूजल है उसको हम रेयर बोलेंगे है ना सो द आंसर हैज टू बी फॉल्स हुई नहीं नहीं आप लोग राइट हो उस पर भी दिख रहा है लाइव आंसर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ एक होगा एंड दैट इज आई एम प्रिटी श्योर दिस क्वेश्चन इज क्लियर स्टूडेंट्स टू एवरी वन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए आप लोग द नेक्स्ट वर्ड इज पर्सपिक्यूटी पर्सपिक्यूटी का मतलब क्या होता है अली शेर बर्नाली वट शुड बी द आंसर बेटा पर्सिक्विटी पर्स्पीक्टी कैसे यूज करेंगे इसको सेंटेंस में Is it done? I think most of the answers are here. I'll get answers. देखो perspicuity normally is a noun. आपको पता है टीवी से खत्म हो रहा है तो ये word noun का काम कर रहा है and it clearly means something which is very lucid पता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा clear है जिसको हम मतलब कहते हैं ना बहुत स्पष्ट देख पा रहे हैं या फिर something which is very articulate. कोई चीज बहुत आर्टिक्यूलेट है तो ऑपोजिट क्या होगा अस्पष्ट 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 का मतलब अनविलिंग नहीं होगा अनविलिंग का मतलब तुम्हें इच्छा ही नहीं है अनफेयरनेस यानी कि तुम उसको अनफेयरली ट्रीट कर रहे हो है ना यू आर नॉट जस्ट यू आर नॉट ऑनेस्ट डलनेस होगा नहीं बचा क्या वेगनेस वेगनेस का मतलब होता है अनक्लियर एक चीज़ जो बहुत क्लियर है इसका ऑपोजिट बनेगा दूसरी चीज विच इज़ वेरी अनक्लियर दैट्स इट डन एंड डस्टेड राइट अगला सवाल नंबर फोर आप सबके सामने ये रहा द वर्ड इज इनविंसिबल इन विंसिबल चलो सोचो गोविंद साई अमित गिरी वट शुड विदांस अर्पित इन विंसिबल यू नो वॉट ही इज इनविंसिबल इसका मीनिंग क्या होता है इफ समिबल देर आर एप्सोल्यूट आंसर ईजी क्वेश्चन था यार देखो इनविंसिबल मतलब जिसे कोई हरा नहीं सकता समवन हु इज अनडिफीटेड ठीक है अगर किसी को आप डिफीट नहीं कर सकते तो वो इनविंसिबल है जिसे कोई हरा नहीं सकता अपराजित एग्जैक्टली exactly जितेश अपराजित तो ऑपोजिट क्या होगा जिसे कोई भी पराजित कर सकता है है ना अगर तुम ताकतवर हो तो तुम इनविंसिबल हो कहा जाता है कि इफ यू आर इम्प्रेगनेबल है ना अगर आप को कोई आपको कोई नहीं छू सकता तो आप इनविंसिबल हो वो स्मॉल होगा नहीं वो इनविजिबल होगा क्या गायब हो गया नहीं रीचेबल जिसके तक सब पहुंच पाए जी नहीं तो आंसर क्या बचा ही इज वलरेबल ही इज अ पर्सन हु इज हमेशा एट रिस्क एक पर्सन जिसे कोई छू भी नहीं सकता अ पर्सन हु इज सेफ अ पर्सन हु इज सिक्योर इज इनविंसिबल ऑपोजिट इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज एट रिस्क द आंसर हैज टू बी सी डन इन नंबर फाइव आप सबके सामने ये रहा वॉट शुड बी द आंसर गुड मॉर्निंग मिताली गुड मॉर्निंग सूर्य आंसर 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 नंबर फाइव पे आ जाओ जल्दी से द वर्ड इज इनऑफेंसिव ये तो बहुत ईजी है यार इनऑफेंसिव को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में हम्म देर आर आंसर्स ठीक है गुड मॉर्निंग शालिनी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग देखो ये क्वेश्चन भी इजी था पता है आप लोगों को देखो ऑफेंसिव मुझे बहुत ऑफेंसिव लगा है ना यार उसने मुझे बुलाया और मुझे चाय तक नहीं पूछा मुझे तो बड़ा ऑफेंसिव लगा तो ऑफेंसिव लगा का मतलब क्या होता है कि मुझे बहुत बुरा लगा यू गेट दैट है ना तो ऑफेंसिव का मतलब रूड होता है तो इन ऑफेंसिव का उल्टा भी तो रूड ही होगा एंटोनेम भी तो रूड ही होगा ना हमको तो ऑपोजिट चाहिए था ना है ना इनऑफेंसिव का मीनिंग क्या होगा समवन हु इज नॉट रूड समवन हु इज वेरी हम्बल है ना वेरी मॉडेस्ट वेरी नाइस वेरी काइंड सेंसिटिव नहीं जा सकता क्योंकि पॉजिटिव वर्ड है है ना uh, अब यहां पर देखो इन in इनऑफेंसिव खुद भी पॉजिटिव वर्ड है आप इनऑफेंसिव फील कर रहे हो इट इज अ पॉजिटिव वर्ड राइट ऑर्गेनिक का मतलब नेचुरल होता है सेंसिबल का मतलब भी पॉजिटिव है तो आंसर क्या बचा इकलौता नेगेटिव वर्ड यही तो है रूड ऑल तुम लोग इसके सिनोनिम पे चले गए थे मैंने तुम्हें ऑफेंसिव का मतलब बताया रूड तो इनऑफेंसिव का भी तो एंटोनिम रूड ही होगा ना मतलब कहाँ चला गया दिमाग आज घास चल रहा है हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ तुम लोग दिस इज नंबर क्विकली वॉट शुड बी द आंसर हियर डाइवर्ज ओ भैया ओ भैया ओ भैया पहले तो तुम लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो अब जाके 150 पे पहुंचे हो गाइज क्विकली लाइक एंड शेयर द सेशन अगर किसी ने नहीं किया है तो डू लाइक एंड शेयर द सेशन आज क्विक इज पॉसिबल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो एवरी वन एनी वन हुआ स्टिल नॉट लाइक दें शेयर अस्सी लाइक पे हो तो नहीं किए हो गए ऑब्वियस बात है चलो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया सारे लोगों ने चलिए डाइवर्ट का मतलब क्या होता है कि आपने यू टू टेल अ सीक्रेट इजी भाषा में अगर आपने किसी को एक बात बता दी है ना डाइवर्ज का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना किसी इंफॉर्मेशन को रिवील करना ये होता है डाइवर्ज तो ये रिवील तो सिनोनिम हो गया हमसे तो एंटोनिम मांगा है ना और प्रेस का मतलब क्या होता है जो दबाता है हिंदी में इसको हम कहते हैं दमन करना याद है ना आप लोगों को अरे इस ये रूलर तो बड़ा ऑप्रेसिव है ये तो दमन करता है लोगों का डिस्गाइ करने का मतलब होता है कि आप झूठा छलावा कर रहे हो ठीक है इफ़ यू आर यू नो ही वॉज ही वॉज एन एनिमी इन डिजगाइ है ना वो उसने भेज धारण किया था दोस्त का बट एक्चुअली ही वॉज एन एनिमी तो डिजगाइज का मतलब होता है किसी को धोखा देना आंसर कंसील होगा कंसील का मतलब होता है हाइड करके रखना एक जगह जहाँ पर तुम एक चीज़ बता रहे हो खुल के बोल दे रहे हो अपोजिट होगा कि तुम उस चीज़ को हाइड कर रहे हो इज इट डन दैट सेट हो गया

हो गया आई थिंक मोस्ट ऑफ दियर देखो देखो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है इट इज बेसिकली डिसअग्रीमेंट ठीक है इफ देर इज डिस्कॉर्ड इसका मतलब दो लोग आपस में बिल्कुल नहीं बनती उनकी डिसअग्रीमेंट चल रही है स्ट्राइफ होगा क्या नहीं सेरेनिटी इफ समथिंग इज सरीन इट्स ब्यूटिफुल इट इज वेरी ओथेंटिक रियल जेन्युन होली ऑब्वियसली बात है डिस्कॉर्डेंस भी नहीं जाएगा तो बचा क्या इट हैज टू बी नथिंग बट अग्रीमेंट दिस वॉज द इजिएस्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, है ना अगले सवाल पर आ जाइए आप सब लोग द नेक्स्ट क्वेश्चन मैमथ बताओ इसका आंसर क्या होगा कुछ क्वेश्चन तो बस गरीबों के लिए की तरह है ओके लेट्स शुड बी द आंसर द आंसर फॉर द वर्ड मैमथ हो गया सबको आई थिंक मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर हियर बी लग रहा है सबको देखो इट्स वेरी इजी द वर्ड मैमथ इट्स सेल्फ मीन्स समथिंग विच इज वेरी ह्यूज ठीक है अगर कोई चीज काफी ह्यूज है क्लोस है तो उसको मैमथ बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो ऑपोजिट क्या होगा छोटा है ना तो यूज तो इसका क्या बन गया हमारा सिनोनिम बन गया सिग्निफिकेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना क्वाइट का मतलब होता है समवन हु इज वेरी साइलेंट तो बचा क्या इक्वल मैम ये वर्ड तो हम सुने ही नहीं कभी है ना तो इक्वल का मतलब क्या होता है वैसे मैं आपको बता दूं इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ स्लैंग ये एक तरीके का स्लैंग वर्ड है ठीक है इसको हम स्लैंग वर्ड बोलते हैं और नॉर्मली जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना वो चाइल्ड child, मतलब चाइल्डिश चीजों को या छोटी चीज़ों को इक्ल बोल के बुलाते हैं ठीक है सो बेसिकली इफ मैमथ इज यूज इट इज चाइल्डिश इक्ल वर्ड इज चाइल्डिश जैसे यू कैन से यू नो द इक्ल बेबी और द इकल ऑफ द ऑफ द कैट दैट मीन्स अ चाइल्ड ऑफ द कैट सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट एस लैंगवर्ड ये एक्चुअली ना ऑथेंटिकली ग्रामेटिकली नहीं बोला जाता बट हाँ बहुत सारे नेटिव स्पीकर इस वर्ड का यूज करते हैं और इसको चाइल्डिश बच्चे जैसे किसी चीज़ के लिए बोला जाता है समझ में आया सिग्निफिकेंट छोटा होता था ना सिग्निफिकेंट छोटा होता है वाह वाह वाह

ऑपोजिट क्या होगा खत्म तो स्टार्ट तो होगा नहीं क्योंकि स्टार्ट तो मैम से नॉन है मैम स्केड्यूल करना यानी पहले से किसी चीज को प्री प्लान करना डिजोल्यूट होगा नहीं तो बच्चा क्या इट हैज टू बी कंक्लूड कंक्लूड का मतलब एंड होता है हाँ हाँ भैया हाँ भैया विशांक ठीक है ठीक है हम पढ़ लिए धरती कहाँ खुलती है मैम अरे मतलब खोद के कूद जाओ ये कर लो ज्यादा हो रहा है तो ठीक है हाँ चलो इसमें एक वर्ड और है डिजोल्यूट इसको बता देता है इट मीन समथिंग वे यू आर ट्राइंग टू प्रोफ्लीगेट अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो बहुत ज्यादा अननेसेसरी स्पेंडिंग करते हो प्रोफ्लीगेट स्पेंडर तो उसको हम बोल सकते हैं डिजोल्यूट समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत ठीक है चलो डन एंड डस्टेड अगला अरे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे आ वर्ड इज इम्पीड ये तो कर ही सकते हो मुझे तो लगता है कि और कुछ करो ना करो ये तुम करोगे हो गया इज इट डन एवरी वन आई थिंक मोस्ट ऑफ द आंसर आई इट्स वेरी इजी भैया वेरी इजी कोमल बोलिए मैम डन डन आन चलो देखो एक बार इम्पीड का मतलब क्या होता है इट्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ बार है ना अगर आप किसी चीज को hinder कर रहे हो अगर आप किसी चीज को obstruct कर रहे हो तो वो impede होता है बात खत्म हो गई obstruct इसका सिनोनिम बन जाएगा linger करने का मतलब होता है टू स्टे इन अ प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर कोई चीज एक ही जगह पे लंबे समय से मंडरा रही है तो उसको हम linger कहते हैं गारंटी यानी कि आप किसी चीज को authenticate कर रहे हो validate कर रहे हो दैट्स योर गारंटी है ना आंसर फैसिलिटेट होगा टू मेक इजीियर अगर वहां पे काम मुश्किल हो रहा है तो यहां पे आप काम को आसान बना रहे हो यूर मेकिंग द वर्क इजी दैट इज हाउ वी यूज दर्ड इन बीट का ऑपोजिट दैट इज योर फैसिलिटेट एनी डाउट सो फार बेटा एनी डाउट सो फार ईजी थे ये टेन वर्ड सबके लिए पक्का कोई दिक्कत किसी को अगर नहीं हुई तो पहले आप लोग अपने अपने स्कोर्स पुटअप कर लो आउट ऑफ टेन हमारा परिवार इस समय है वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव हम ही को जहर दे दो तुम लोग अगर अगर कुरियर करा पाओ जैसे मुझे पता है तीन चार लोगों को तो एड्रेस भी पता है मेरे घर का हम ही को जहर दे दो तो तुम लोग पढ़ने के तो मूड में तुम लोग देखो यार हम किसी चीज की बेजती बर्दाश्त कर सकते हैं एडिटोरियल की बेजती नहीं बर्दाश्त कर सकते चाकू की नोक पर तुम लोगों को रख के तुम लोग टूटेंगे चुपचाप सेशन को पहले जाके लाइक एंड शेयर करके चले आओ एवरी क्विकली जितना पॉसिबल हो सके पहले आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो शिपिंग चार्जेस कौन देगा जहर खा लो बेटा जहर खा लो तुम लोग मतलब तुम लोग मेरे लिए तुम सोच भी रहे हो करने का Moderate, बहुत इजी वर्ड्स थे आज के अर्पित अलग ही जा रहा है मैक्सिमम आंसर्स मेरे इनकरेक्ट हैं क्योंकि तुमको सुबह सुबह ये डिसाइड करना था ना कि यशी मैम का सेशन रिकॉर्डेड है कि नहीं है ध्यान का है बेटा तुम लोगों को पढ़ाई में कंटेंट तो कोई देखता ही नहीं मैम नहीं बोलेगी तो इसका मतलब अगर आज मैम बात नहीं करी मान लो ऐसा होता है कभी कभी मैम का मन नहीं है तो मतलब मैम आज रिकॉर्ड पढ़ा रही है नहीं नहीं मनीष जिसने एक बार दुबारा कर दिया उसको दोबारा नहीं करना है जिन लोगों ने भैया लाइक ही नहीं करना है शेयर करो पांच लोगों को रोज जोड़ो कृपया के लिए अपना कर्तव्य पूरा करें प्राणियों ठीक है चलिए इतना बोलते बोलते एक सात सौ सत्तर हो गए तुम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा फेवरेट सेक्शन द राइट वाइज रिपीट सेक्शन ठीक है अगर किसी ने एम का ऐप डाउनलोड नहीं किया भैया दैट इज मैंडेटरी एम का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल कल पीडीएफ गया है दोनों दिन का ठीक है मैंने भिजवा दिया था चलिए राइट टू वाइज रिपीट हम जा रहे हैं स्क्रीन से बाहर आपके पहले फाइव वर्ड्स टेन सेकेंड्स स्टार्ट मैजिक लवर्स यही बचा ही था <laughs> यही बाकी ये यह भी कर लो <laughs> चलो इसको ट्राई करो सो इज इट डन आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ट्राइड द आंसर्स एक बार बहुत जल्दी से देख लेते हैं बहुत इजी था सैलवो मैंने क्या बताया था याद है इट वाज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ गन फायर राइट फलमिनेशन का मीनिंग क्या बताया था मैंने आप लोगों को इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कैलेजियम ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉ डिफेक्ट को कहते हैं यानी किसी तरह की कोई कमी और इनपिंच करना यानी एनक्रोच करना दैट्स इट डन एंड डस्टेड अगले पांच वर्ड्स टेन सेकंड द आंसर ये वाला स्लाइड ज्यादा इजी है पहले वाले स्लाइड से हाँ जी ठीक है विमित मोनाली दिव्या सौम्या हो गया स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं जो देखकर जो लुकर ऑन होते हैं या ऑन लुकर होते हैं कल एक बच्ची ने मुझसे इसका वो भी पूछा था डिफरेंस दोनों का मतलब सेम होता है बेटा स्पेक्टेटर्स देखने वालों को कहा जाता है दर्शक इंप्रेग्नेबल का मतलब होता है कोई चीज जो बिल्कुल सिक्योर है जिसे कोई मार नहीं सकता एल्यूजिव क्या होता है कोई चीज जो इवेड कर गई अवॉइड हो गई है ना प्रोपोनेंट कौन है आपका एक्सेसिव सपोर्टर जिसको हम आर्ड एंड सपोर्टर बोलते हैं अवेलर का मतलब होता है स्ट्रेंथ या फिर खत्म हो गई ये five words. अपने स्कोर्स अप करो आपके कल के भी टेन वर्ड्स रिवाइज हैं आर्टिकल ऑफ द डे के पहले हम वर्ड्स फॉर द डे पर आएंगे पहले चार वर्ड्स आपके सामने हैं ठीक है ओके सो द फर्स्ट वर्ड इज एन आर्बिटर इजी आर्बिट्रेटर वर्ड आर्बिटर वर्ड इज एग्जैक्टली द सेम अगर हम यहाँ पर आर्बिट्रेटर लिखते इट वुड हैव बीन द सेम लाइक आर्बिटर एक ऐसा व्यक्ति जो मध्यस्थता कर रहा है यू नो वॉट वी हैव टू आर्बिटर आई थिंक मुझे लगता है हमें आर्बिटर करना पड़ेगा या फिर आप बोल सकते हो ही इज अ गुड आर्बिटर वो बहुत अच्छा यू नो आर्बिट्रेटर है ही इज अ गुड जज ही इज अ गुड रेफरी एक ऐसा पर्सन जो मेडलिंग कर सकता है तो आप इसको क्या कह सकते हो मीडिएटर आप इन्हें मीडिएटर भी बुला सकते हैं और कुछ एड ऑन करना है आप लोगों को दिव्या दैट इज राइट प्रीति दैट इज राइट मोनाली दैट इज राइट अ पर्सन हु मिड हाँ जो मिड में मध्यस्थता कर रहा है मतलब ऑब्वियस ही बात है ठीक है अगला वर्ड आप सबके सामने है एंड दैट इज सीक यू नो वॉट वॉट डू यू सीक आई वी आर सीकिंग फॉर हैप्पीनेस वी आर सीकिंग फॉर एन अल्टीमेट हैप्पीनेस विच इज एक्चुअली डेल्यूजनल एक ऐसी चीज जो कि है ही नहीं उसको हम सीक कर रहे हैं दैट इज हैप्पीनेस राइट तो हैप्पीनेस कैन बी डिराइड इवन इन द स्मॉलेस्ट थिंग्स यू डोंट हैव टू हैव अ यू नो अटी और अ लंबोगिनी टू एंजॉय हैप्पीनेस नो इफ यू आर सीकिंग फॉर हैप्पीनेस इट कैन बी इवन विद इन योर फैमिली मेंबर्स तो सो वेन यूर सीकिंग फॉर समथिंग यूर लुकिंग फॉर समथिंग टू लुक फॉर टू सर्च फॉर राइट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो इट इज समथिंग विच यू लुक फॉर इट इज समथिंग विच यू सर्च फॉर इट इज समथिंग विच यू डिजायर ठीक है ये ऐसी चीज है जो आप वॉन्ट करते हो योर नीड योर डिजायर यू परस्यू यू चेज उसके पीछे भागना दट इज सीकिंग अगला वर्ड है टू टेक डाउन इसके दो मतलब होते हैं पहले समझिएगा अगर मैंने आपसे कहा होता है लिसन आई एम टीचिंग यू मीन वाइल टेक डाउन द नोट्स सो व्हेन यू आर टेकिंग डाउन द नोट्स यू आर राइटिंग डाउन द नोट्स ठीक है एक तो टेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज को बनाना टू राइट डाउन ठीक है दूसरा टेक डाउन का मीनिंग होता है किसी चीज को डिसमेंटल करना या रिमूव करना जैसे यू नो वॉट द स्टैचू इट वॉज हंड्रेड इज ओल्ड बट इट वॉज टेकन डाउन बाय द गवर्नमेंट द स्टैचू वॉज टेकन डाउन बाय द गवर्नमेंट इसका मतलब होता है वही तो हम आ रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी चीज को आप उसकी जगह से हिला रहे हो आप उसकी जगह से उसे डिसमेंटल कर रहे हो उसे हटा रहे हो तो एक तो लिख लेना होगा है ना टू जॉट डाउन एग्जैक्टली प्रियांशी वेरी गुड तो, exactly, तो राइट डाउन वाले सेंस से एक और वर्ड निकल जाएगा दैट इज टू जॉट डाउन ठीक है और दूसरा वाला जो मीनिंग है वो है डिसमेंटल करना रिमूव करना वहां से उसको हटा देना कर देना, वेरी गुड किसने लिखा ये वर्ड अर्पित वेरी नाइस यहां पे आप लोग एक वर्ड और ऐड कर सकते हो एंड दैट इज टू डिस्फिगर समथिंग दैट इज आल्सो टू टेक डाउन परफेक्ट 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 ठीक है अगला वर्ड आप सबके सामने है एंड दैट इज इंप्लीकेशन ओके व्हाट डू यू इंप्लाई बाय दिस आपका ये कहने का क्या तात्पर्य था सो इम्प्लीकेशन इज नथिंग बट सजेशन दीज आर इन्फ्लुएंस दीज आर हिंट है ना गॉड <laughs> तुम लोग तो किसी भी चीज से कुछ भी इम्प्लाई कर लेते हो आई स्टिल रिमेंबर वो मेरे लिए आइकॉनिक रहेगा आप लोगों की आंखें हे भगवान मैंने तो कभी नहीं सोचा था मेरी बर्थडे पिक्स में मैंने एक 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 सेक्शन ऑफ अपना घर का वो पिक खींच के आपको भेजा था कि वो सारे लोगों ने घर को डेकोरेट किया था और तुम सब ने मुझे उसमें से एक बलून को जूम कर कर के कर करके कर 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 दिखाया कि मैम ये तो ये हैं तो ये कौन है तो ये कौन है भगवान कुछ हो तुम लोग सो यू कैन इम्प्लाई मतलब मेरा एक आज के बाद अब हम तो आंखों के चश्मे को भी अब हम जूम करके देखेंगे तब हम फोटो भेजेंगे यू पीपल कैन फाइंड एनी मतलब तुम लोग की आंखें भैया कुछ हैं So, implication is nothing but where you try to give इज नथिंग बट an यू ट्राई टू what? I नो imply आई कुड statement फ्रॉम स्टेटमेंट ही फ्रॉम from inside. है ना दैट इज implication. ओ oh गॉड लेकिन लिटरली आप लोग कुछ हो I, मतलब मैंने खुद भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इतना कुछ देखने को मिल जाएगा उसमें सो गुड वन हाँ यहाँ पे इन, आप बोल सकते हो किसी चीज का इंफ्लेंस है ये एक तरह का हिंट होता है ये चार वर्ड्स तो क्लियर थे ना किसी को कोई डाउट तो नहीं है आगे चले इजी है टेक डाउन बस एक बार देख लेना क्योंकि इसके दो होते हैं। है, ना, आज का आर्टिकल ही ऐसा है ना कि ऐसे वर्ड्स आने ही थे पहले तो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कभी एडिटोरियल नहीं होता या कभी टेन एम सेशन में कोई प्रॉब्लम आता तो हम क्या कहते हैं प्लीज इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स है, है ना डिसेमिनेशन ऑफ एन इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ स्प्रेड सर्कुलेशन किसी चीज को डिस्पोर्स करना किसी भी चीज का प्रचार प्रसार को हम डिस्सेमिनेट कहते हैं बस ठीक है हां इसको बोल सकते हो आप लोग अगर आप किसी चीज को स्प्रेड करो निश प्रोपागेट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यहां पर आप लोग प्रोपागेट वर्ड यूज कर लीजिए दैट इज ऑल्सो डिसेमिनेशन परफेक्ट वर्ल्ड वाइड बोलना सर्कुलेट करना स्प्रेड डिस्पर्स हाँ ठीक है ये सारे वर्ड इसके सिनॉनिम्स होंगे लेट्स टॉक अबाउट समथिंग विच इज एब यू नो वॉट स्टॉक गिविंग मी एब्जर्ड रेफरेंसेज ये मुझे ये बेतुके से रेफरेंसेज मत दो कोई भी चीज एब्जर्ड तब कहलाती है जब वो बहुत बेतुकी होती है, है ना जिसका कोई सर पैर नहीं होता समथिंग विच इज रिडिक्युलस समथिंग विच इज फॉली यानी फुलिश फॉली वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड फुलिश या फिर इडियोसी जिसको हम कहते हैं इडियो मतलब इडियड हो क्या ये कैसा तुमने मुझे आंसर दिया है दैट इज मूर्खता ठीक है दैट इज एबजर्डिटी सो इज इट्स अफकोर्स हाँ बोल सकते गोविंद इट इज ऑल्सो इरेलीवेंट समथिंग विच इज इेलिवेंट इज ऑल्सो एब्जर्ड वेरी राइट वेरी करेक्ट आप यहाँ पे इेलिवेंट वर्ड यूज कर लीजिए आप लोग यहाँ पे रिडिक्यूलस फॉली डिओसी यूज कर लीजिए ये सारे वर्ड्स मौकरी इज फाइन ठीक है बट वो तो खैर बाद का प्रोसेस है मतलब उसमें हम आ, उसमें बाद में हम मौकरी करते हैं किसी के एब्जर्ड से आंसर का दैट्स अ डिफरेंट वर्ड अगला वर्ड है डेल्यूजनल ना समथिंग विच इज डेल्यूजनल इज नॉट रियल आप ऐसे समझा करो कि इफ यू नो वॉट आई आई हैव दिस डेल्यूज ही ऑलवेज हैज अ डेल्यूजनल माइंड सेट डेल्यूजनल माइंड सेट नॉर्मली उन लोगों का बोला जाता है जो ना अपनी दुनिया में ही रहते हैं दे हैव एन अनरियलिस्टिक वर्ल्ड एक सारी राशियों में एक राशि है जिसको हम कहते हैं मकर राशि ठीक है तो जो मकर राशि वाले लोग होते हैं ना वो भी बहुत डेल्यूजनल होते हैं जैसे बारह राशियां होती है ना हमारी उसमें एक राशि मकर है सो डेल्यूजनल इज ऑल्सो समथिंग विच इज यू नो इट इज वेरी अनरियालिस्टिक इट इज समथिंग विच इज कंफ्यूज या डीरेंज्ड इट्स नॉट इट्स हाइपोथेटिकल बेबी आप उसको हाइपोथेटिकल बोल सकते हो इमेजिनेशन बोला जा सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है तो हम यहां पर इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं एंड दैट इज आप लोगों का हाइपोथेटिकल सॉरी ठीक है ये भी होता है हमारा डेल्यूजन अनरियलिस्टिक कोई भी चीज कंफ्यूज या उसको हम कहते हैं भ्रम ठीक है डन नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए द वर्ड इज वेरी रोजी मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई है पहले रोज इज रोजी द पिंकिश कलर द पिंक टिंट ऑफ अ रोज इज रोजी बट अगर आपके um, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत रोजी लग रहे हैं तो इट मीन इट इज वेरी प्रॉमिसिंग एज वेल इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड ठीक है इट इज ऑप्टिमिस्टिक इट इज होपफुल उसको हम कहते हैं आनंदित होना ठीक है इज इट डन सारे लोगों को क्लियर है डन ओके सो बेसिकली हम लोग ऐसे कैसे बोलते हैं इफ um, जैसे ना हम अगर हम बोल रहे हैं यू नो वॉट हिज हेल्थ लुक्स रोज ही आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम यानी अब जाके लग रहा है कि वो प्रॉमिसिंग लग रहा है उसका हेल्थ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बेटर लग रहा है so, सो अगर कोई चीज बेटर हो रही है ना इफ़ समथिंग इज इंप्रूविंग इट कैन बी हेल्थ इट कैन बी नंबर्स इट कैन बी योर फिगर्स इट कैन बी यू नो इट कैन बी योर अकाउंट इट कैन बी यर बैंक बैलेंस इट इज लुकिंग नाइस इट इज लुकिंग आनंदित इट्स अच्छी ऑफ ठीक है डन 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 नेक्स्ट फोर वर्ड्स पर आ जाते हैं आप लोगों के साथ द नेक्स्ट फोर वर्ड्स वी हैव योर इज माइंड सेट डी बंक्ड थ्रॉटल एंड कंप्लासेंट ओके नो माइंड सेट इज एवरी थिंग फॉर अ पर्सन पता है किसी भी व्यक्ति के लाइफ में देर इज ओनली वन थिंग आई स्टिल रिमेंबर अ डायलॉग फ्रॉम अ वेरी फेमस मूवी वेद अ सेड यून अ वर्ट नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ योर लाइफ इज कॉन्फिडेंस विच नो वन नोज इज रियल और नॉट वट इट इज़ कॉन्फिडेंस माइंड सेट इज एवरी थिंग आप ही कुछ यू नो इट इज इट इज यू हू कैन डिसाइड वॉट यू कैन डू वॉट यू आर केपेबल ऑफ इनफैक्ट कई बार तो हम भी नहीं जानते कि हम किस चीज़ को करने केपेबल के होते हैं आई रिमेंबर सेवन ईयर्स पहले यू नो थिंग्स आर नॉट फॉलिंग इन टू प्लेस लाइक मेरी मॉम की डेथ को ट्वेल्व ईयर्स अब हो रहे हैं एंड आई स्टिल रिमेम आई वॉज सिक्सटीन ईयर्स देन ठीक है सो uh, so, बेसिकली आई वॉज मतलब मैं एक, एक ऐसी सिचुएशन में थी जब मेरा भाई ऑलरेडी पढ़ने निकल रहा था बाहर और मैं घर पर रहती थी एक ऐसे इंसान जिसने कभी घर का कोई काम नहीं किया होगा वो घर पे तीन तीन टाइम तीन तीन लोगों के लिए अलग अलग टाइप का खाना बना रहा होता था और ऑफ मैं कॉलेज जाती थी कॉलेज से वापस आती थी फिर उसके बाद मैं घर पे ट्यूशंस पढ़ाती थी आई वॉज खुद मुझे और आई डिड दिस स्टिल आई वॉज ट्वेंटी लाइक ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी तक हमने ऐसा ही लाइफ जिया है

अगला वर्ड है डी बंक दर्ड इट्सर डी बंक यू नो वॉट इज डी बंकिंग ट्रुथ वो ट्रुथ को दबाने की कोशिश कर रहा है खारिज करने की कोशिश कर रहा है इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड बोल सकते हो हाँ बिल्कुल कहा जा सकता है सो इफ यू आर ट्राइंग टू डी बंक द ट्रुथ आप सच्चाई से लोगों को या तो भटका रहे हो या तो सच को बदलने की कोशिश कर रहे हो जबरदस्ती सो इफ यू ट्राई टू फैब्रिगेट समथिंग दैट इज डी बंकिंग एंड इन्फॉर्मेशन ठीक है सो इट इज वेन यू ट्राई टू क्वॉश एक्सपोज डिफ्लेट खारिज कर देना ही डी बंक्ट माई यू नो आप ऐसे बोल सकते हो यू नो वॉट आई गेव हिम ऑल द डिटेल्स ही डी बंक्ट दम उसने उन डिटेल्स को डी बंक कर दिया कैंसिल कर दिया बिल्कुल राइट है यहां पे कैंसिल वर्ड जाएगा यहाँ पे रिजेक्ट वर्ड जाएगा ये सारे वर्ड्स इसके क्या बन जाएंगे हमारे सिनोनिम्स कोई दिक्कत ओके द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर इज थ्रॉटल आप किसी को थ्रॉटल कब करते हो जब आप उसका गला दबाते हो यू नो वॉट इफ यू आर नॉट लाइकिंग एंड शेयरिंग द सेशन आई विल थ्रॉटल यू वन डे हम आपका क्या कर सकते हैं गला दबा सकते हैं यस ऑन नो सो इट इज इट मीन्स टू चोक इट मीन्स टू स्मॉदर इट मीन्स टू स्ट्रेंगुलेट गला घोटने को हम कहते हैं थ्रॉटल एनी डाउट्स ईजी वर्ड है चोक स्मॉदर हाँ ठीक है मतलब इट्स बेसिकली वेन यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अ पर्सन इट इज वेन यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेंगल दैट इज ऑल्सो स्मर हाँ डन अगला वर्ड हैल्फ सैटिस्फाइड यू हैव अ फीलिंग ऑफ स्मगनेस आत्मसंतुष्टि इसी को बोला जाता है यू आर कॉन्फिडेंट यू आर हैप्पी इफ यू आर कंप्लासेंट पता है आप अपने आप से बड़े संतुष्ट हैं अटेम्प टू मर्डर मर्डर हो जाएगा अटैम्प्ट मर्डर नहीं कभी प्रबल से उसे पूछना है किशी मैम के कि हाथ का मार कितना तेज पड़ता है वो मेरे पास बैठना छोड़ देता है तीन तीन दिन तक कभी कभी उसको इतनी तेज मार देते हैं सो इट हैपेंस राइट आई कैन नॉट टॉक विदाउट हिटिंग अ पर्सन तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है लाइक like, मेरे सारे मेरे हर डेस्क के बगल में इतना इतना डिस्टेंस होता है एवरी वन नो कि वो मुक्का मारेगी उसके बाद बोलेगी कोई बात सो दिस इज इट डन यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सबको सॉर्टेड है ठीक है हाँ बस हो गया हो गया हो गया चलो 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 सो so, ये चार वर्ड्स भी कंप्लीट इजी थे यहाँ तक के फोर वर्ड्स एक बार नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं नेक्स्ट फोर वर्ड्स एक बार क्विकली देख लो

अनकवर कर रहे हो यू you नो know, uh, उसके बारे में uh, जो इंफॉर्मेशन है वो डाइवर्ज कर रहे हो अनावरण कर रहे हो उस सारे वर्ड्स को हम अनवील करते हैं इज दैट क्लियर ट्रुथ को लोगों के सामने ले आया वो दिस इज ऑल्सो हाउ यू कैन राइट द वर्ड राइट The next word we have here is notwithstanding. Notwithstanding हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में तीन तीन पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है ना इसको हम कहते हैं आप लोगों का नॉट you know injuries, ठीक है he succeeded. यानी उसको injuries थी उसके बावजूद भी वो successful हुआ Is that clear?

so so it is basically an a a a group or a body of people together working for a specific purpose, right? So, cohorts बोल सकते हो, बोल सकते हो बिल्कुल कहा जा सकता है and, uh, Is it done? But, प्रबल सर बेचारे हैं अंकित साहब प्रबल सर ये लोग में से कोई बेचारा नहीं है ठीक है बेचारा इन द ग्रुप ओके इज इट डन यहां तक सारी चीजें क्लियर है हाँ फैक्शन भी बोल सकते हो फैक्शन right, सकते हैं अगला है, है आ, पढ़ाया था ना? बुक गिव्स नो एल्यूजन एल्यूजन का मतलब होता है मैंशन किसी चीज का रेफरेंस बेसिकली इट इज रेफरेंस एल्यूड इज टू रेफर खत्म ठीक है इट इज टू इम्प्लाई इट इज टू मैं टू रेफर ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स होंगे इट इज टू साइट, ठीक है हो गया टॉकिंग अबाउट yes, अगर आप किसी चीज के बारे में इनडायरेक्टली बोल रहे हो वेन यू आर स्टेटिंग अबाउट समथिंग इनडायरेक्टली इट्स लाइक एन इनडायरेक्ट हिंट टू समूडिंग इज इट जन प्रतीक्षा सबका हो गया यहां तक किसी को कोई डाउट है अगर नहीं है तो एक बार एक यस लिख दीजिएगा क्योंकि यहीं तक थे आप लोगों के आज के वो कैब्स सुनो कल हम जो आर्टिकल पढ़ाएंगे वो पहले ही बता दे रहे ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी वाला आर्टिकल आया ना ये आप लोगों का कल का आर्टिकल होगा <स्थ> क्या बन रहा है पता नहीं आशायद पावभाजी बन रही है आप चेहरे से यूक्रेन हो और हरकतों से रशिया यार ये तो नया मुझे मिला थैंक यू इस खूबसूरत से कॉम्प्लीमेंट के लिए डन चलिए अगर यहां तक के सारा सेशन आप लोगों का हो गया ठीक है पीडीएफ दे दीजिएगा 2023 में है नहीं जा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में जनवरी से अभी तक मतलब जन फर्स्ट ऑफ जान से अभी तक कोई पीडीएफ ही नहीं मिला बहुत दुख का बात है बहुत दुख का बात है बहुत दुख की बात है देखते हैं इसके बारे में चर्चा करी जाएगी ठीक है कंप्लीट हो गया 211 आज आप लोगों की संख्या थी भला तुम लोग 200 का मार्क क्रॉस की इज्जत रख ली तुम लोगों ने आज यशी मैम की लेकिन तुम लोगों ने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है कर दो कम से कम जितने लोग हैं उतने लोग हाथ चला लो जिस तुम्हारा दिल ही जानता होगा कि तुमने नहीं किया कर लो फटाफट फिर हम रुके अब और कितना वो कैब नहीं था दो दिन से नहीं मिल रहा है कल गया था भाई अच्छा रुको हम चेक करके फिर डालते हैं वाजा की पिक्चर भेज देंगे यार ये लोग ना यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर हम दिखा देंगे तो ये लोग वीडियो ट्रिम कर देंगे क्या मैम आपने वाजा दिखा दिया वेरी प्रोफेशनल यू नो या हो गया नहीं नहीं ढीठ ढीठ मत बनो भैया चलो तुम लोग आके पढ़ लो आज चलो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ और बाकी सारी चीजें क्या क्या है भैया 180 भी नहीं पहुंच पाए तुम लोग से कुछ नहीं होने वाला धरती पे भैया तुम लोग लाइक ही नहीं कर पा रहे हो आ जाओ आ जाओ भैया लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वन दिस आर्टिकल इज अबाउट क्लैरिटी एंड पर्पज इस आर्टिकल में इट्स uh, इट्स पता है आर्टिकल क्लियरली शोज बीजेपी का टैक्टिक्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इलेक्शन But it is also a प्रीवियस इलेक्शन इज वेल यानी ऑथर को अब जाके ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि ना बीजेपी पार्टी हर साल कुछ अलग कर रही है ही सेट कि उनकी मेहनत अलग है वो अलग लेवल पे गेम खेलते हैं सक्सेसफुल लोग भी हैं उन्होंने पहले भी कहा था कि कुछ आपको याद होगा जो पहले आप लोग हम सब लोग अवेयर हैं है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में और हम लोग अब पहले से अवेयर हैं अबाउट अदर बीजेपी लीडर्स जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया में तो हर बार जब भी एक बीजेपी की सरकार आई है दो ऐसे लोग होते थे जैसे लालकृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का से होता था हमेशा है ना बीजेपी की पॉलिटिक्स में सेम वही चीज यहां पर हो रही है यहां पर भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का फाइनल uh, स्टेटमेंट आता है तो दो पार्टी के ऐसे लीडर्स जो खुद पार्टी से भी बड़े माने जाते हैं लेकिन उनकी बात तो पूरी पार्टी मानती है ना सेम ऐसा ही कांग्रेस में नहीं है सेम ऐसा ही आरजेडी में नहीं है या फिर आप बोल लीजिए आप सपा में नहीं है ऐसे करके तो इसी के ऊपर आर्टिकल आया है कि बीजेपी सक्सेस के बावजूद भी सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है वो मेहनत करते हैं इसी के ऊपर यह आर्टिकल है ठीक है हो गया तो चलिए आप लोगों के साथ आते हैं दूसरा आर्टिकल ये आर्टिकल वैसे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी ये आर्टिकल आज का मेरा आर्टिकल है ठीक है इंटरेस्टेड पार्टी हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड सरकार उसे सारी जानकारी चाहिए ठीक है ना फेक न्यूज और न्यूज विच इज अगेंस्ट गवर्नमेंट इज इन पिक्चर एंड इन यू कैन से इन डिबेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ ठीक है देखो यहां पर PIB है क्या ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के लिए बोला जाता है कि जो हमारी इंडिया की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है इट माइट बी गुड एट चेकिंग फैक्ट्स हो सकता है वो लोग फैक्ट्स चेक करने में काफी अच्छे हों बट इट कैन नॉट बी द सोल आर्बिटर ऑफ ट्रूथ लेकिन क्या हम उसे हमारी सारी जानकारी दे दें कैन दे बी सोल आर्बिटर ऑफ ट्रूथ ठीक है इज इट डन निधि, ठीक है? अब हम स्क्रीन से हट रहे हैं। आप लोग लोग सब लो सुनना आखिर हो क्या रहा है इस आर्टिकल में? प्रपोज़ल, प्रपोज़ल एक प्रुपोजल आई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छा एक प्रपोजल दिया है उन्होंने दैट सीक्स विच इज आस्किंग फॉर टू फोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फोर्स किया जाएगा टू टेक डाउन कॉन्टेंट फैक्ट चेक बाई द गवर्नमेंट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी गवर्नमेंट की जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है अगर उन्होंने किसी कॉन्टेंट को फैक्ट चेक करके बोला कि आपको हटाना है तो इस प्रपोजल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस कॉन्टेंट को हटाना पड़ेगा एज फॉल्स नीड्स टू बी अपोज विदाउट इवन अ सेकेंड रूल लुक ऑथर कह रहा है इस मतलब इस प्रोपोजल को बिना देखे या बिना पढ़े हम सबको मिलकर अपोज करना चाहिए क्योंकि यह करना गलत है अकॉर्डिंग टू द ऑथर ठीक है द अमेंडमेंट टू द आई टी रूल ओपन डोर फॉर दी आई बी और एनी अदर एजेंसी ऑथोराइज बाई देंट्रल गवर्नमेंट फॉर फैक्ट चेकिंग अब इस रूल इस अमेंडमेंट में होगा क्या सरकार या सरकार के द्वारा कोई भी एजेंसी जिसके ऊपर ये जिसको ये अथॉरिटी दी जाएगी जो चेक कर सकता है न्यूज को वो इसे चेक कर सकते हैं फॉर द परपज ऑफ सच टेक डाउन अगर वो चाहे कि उस न्यूज को टेक डाउन करना है तो ऑथर बोल रहा है दिस इज प्रॉब्लमैटिक एट मेनी लेवल्स ऑथर से ये बहुत सारे लेवल्स पे प्रॉब्लमैटिक है विथ डीप इंप्लीकेशन फॉर फ्री स्पीच एंड इंफॉर्मेशन और इसमें बहुत बड़े इंप्लीकेशन हैं क्योंकि हमारी फ्री स्पीच चली जाएगी और इंफॉर्मेशन चला जाएगा ठीक है एट द मोस्ट बेसिक लेवल द क्वेश्चन टू बी आस्ट इज हाउ विंग ऑफ द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब इज टू डिस्सेमिनेट इंफॉर्मेशन सवाल तो अब ये है ना एक सवाल उठ रहा है कि एक इंपॉर्टेंट नोडल एजेंसी हमारी इंडिया की जिसका जॉब सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना है To the the print and and electronic media on on government policies, programs, initiative and achievements, could be the deciding authority on what is factual and what is not. सवाल ये है कि इंडिया की एक इतनी इंपॉर्टेंट एजेंसी जिसका काम अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना था चाहे वो सरकारी पॉलिसी हो प्रोग्राम हो इनिशिएटिव हो उसको इतनी बड़ी अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो डिसाइड करेगा कि ये फैक्ट है या नहीं The disturbing absurdity of an interested party also playing the judge cannot be missed. ऊपर से इसमें एक ऐसी पार्टी भी है जो कि जज का रोल प्ले करना चाहती है और इस बात को हम मिस नहीं कर सकते यानी इसमें उनका कोई हिडन मोटिव भी हो सकता है It is really nasty. It's very foul. It's very bad, है ना Nasty world of disinformation out there. ये अगर हम उस दुनिया में देखें तो ये बहुत ही गलत डिस है ओके okay. सो so, इसके बाद क्या बोला जा रहा है बट वन वुड हैव टू बी डेल्यूजनल टू थिंक दैट गवर्नमेंट डू नॉट हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब लेकिन ये कहना भी गलत होगा इट इज डेल्यूजनल राइट कि हमारे पास कोई एक्ट नहीं है टू ग्राइंड मतलब एक्ट उनके पास कोई एक्ट नहीं है यानी उनका ऑब्वियसली बात है इसमें सरकार का भी हिडन मोटिव होगा अगर ये प्रपोजल इंप्लीमेंट हो गया इफ द प्रपोजल इज इंप्लीमेंटेड गवर्नमेंट कैन प्ले द सुपर सेंसर एट विल तब तो सरकार जब चाहे तब सेंसर कर सकती है न्यूज को वायर दिस प्रपोजल सिग्नल न्यू लो इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन थिंकिंग ऑन मैटर्स ऑफ रेगुलेटिंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन ये एक्ट क्लियरली सिग्नल करता है कि सरकार और भी नीचे गिर गई है क्योंकि वह न्यूज और इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करना चाहती है थिंग्स वोट रेजी प्रायर टू दिस ईदर इससे पहले भी चीजें बहुत आसान नहीं थी the government in recent years have given enough indications that it wants to control this news sphere sarkar ne kai bar aisa indicate bhi kiya hai ki wo news ko regulate karna chahti hai the reworked it rules in early 2021 are an example of it aur aane wale जो नए IT rules हैं ना जिन पे दोबारा काम करके उन्हें दोबारा बनाया गया ये है ये clear example है सिमिलर माइंड सेक्टेड इन द प्रोविजन ऑफ द डेटा प्रेवसी बिल दैट गेव गवर्नमेंट एजेंसी एक ऐसी ही माइंडसेट के साथ रिफ्लेक्ट किया गया था जहां पे गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास एक फ्री पास था कि वो डेटा को चेक कर सकते हैं डिफेंडिंग द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन इन द पब्लिक स्पीयर बाय पुटिंग आउट डेटा और स्टेटमेंट इज वेरी मच विद इन दी आई एम्बिट आपको पता है पीआईबी इन फैक्ट उसके घेरे में क्या क्या आता है वो गवर्नमेंट को डिफेंड भी कर सकती है उसके इंस्टीट्यूशंस को भी डिफेंड कर सकती है और वो डेटा दिखा भी सकती है लोगों को एंड इट कैन बी लॉजिकली डिफेंसिबल बट फैक्ट चेकिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग लेकिन आप फैक्ट्स को चेक कर रहे हो उसमें ये तो बहुत गलत चीज है दिस इज नॉट टू से बी पी आई बीज फैक्ट चेक यूनिट हैज नॉट डी बक्ड रूमर सर्कुलेटिंग ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वैसे तो दिस इज नॉट टू से बात है पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट जो है ना उन्होंने कई बार रूमर्स को डिबंक भी किया है ये कहा है है कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं इट हैज बट इट हैज डन सो एज द एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट लेकिन पी आईबी इज नॉट एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल बॉडी इस समय पी आईबी इज एक्टिंग एज एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट मेकिंग इट्स फैक्ट चेक्स बाइंडिंग ऑन न्यूज डिस्सेमिनेटिंग प्लेटफॉर्म सम्स लेकिन उसका फैक्ट चेक करना न्यूज को बाइंड करना ऐसी इन्फॉर्मेशन या प्लेटफॉर्म पर यह अलग चीज है विदर्नमेंट विल हैव टूल विद विच टू इजिली थ्रॉटल वॉइस अपोजिंग इट ऐसे तो सरकार के पास हमेशा ही एक ऐसा टूल होगा जिससे वो किसी की भी आवाज को थ्रोटल कर सकता है वो, वो दबा सकता है आवाज जो सरकार के अगेंस्ट है Indeed, यानी surely it will be the sole arbiter of truth. ऐसे तो सरकार ही सब कुछ बन जाएगा वही सच वही सच, वही झूठ है ना जो वो बोलेगा वही मानना पड़ेगा फिर क्या हो रहा है The Editors Guild of India has rightly criticized the proposal. Editor Guild of India ने भी इस proposal को criticize किया है by pointing out that determination of fake news cannot be the sole hands in the sole hands of the government. वो कह रहे हैं कि ठीक है फेक न्यूज के खिलाफ तो हम सबको खड़ा होना है दिस इज नॉट दिसकोर्स लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन ये डिसाइड अकेले सरकार को न करने दिया जाए क्योंकि दिस विल रिजल्ट इन द द सेंसरशिप ऑफ प्रेस फिर फिर प्रेस का क्या काम रह जाएगा प्रेस क्या काम करेगी क्योंकि हम सरकार पे पूरी तरीके से इस पर भरोसा भी नहीं कर सकते राइट देन दे से दैट फेक न्यूज हैज टू बी डेल्ट विद एन अप्रोप्रिएट मैनर ऑब्वियसली बात है फेक न्यूज को हमें एक अप्रोप्रिएट मैनर में डील करना चाहिए बट द प्रपोजल इन क्वेश्चन विल नॉट ओनली मेक द टास्क विल ओनली मेक द टास्क हार्डर लेकिन अगर यह प्रपोजल पास हो गया ना तो यह टास्क और भी ज्यादा हार्ड हो जाएगा द ऑथर इज वेरी क्रिटिकल इन द पेपर टुडे यस एक साथ आकृति निश्मिता का आंसर आया है He is very criticizing. He is very critical of the government, its policies, information policies, PIB ka role in this. Everything is very critical. That's perfect, nishmita That is perfect, Kanishka, Khushi, Shreya and Arpit. Perfect. Done and dusted. अगर यहाँ तक का tone clear था, तो आप लोग एक KS लिख दीजिएगा. एक बार homework section पे चलते हैं. ये कल का homework था, easy था. देखो, हमने क्या बोला था आपसे कि the prime minister, the Pakistan PMO said. पाकिस्तान के पीएमओ ने क्या कहा दैट मिस्टर शरीफ हैड कंसिस्टेंटली दैट पाकिस्तान एंड इंडिया मस्ट रिजॉल्व देयर इश्यूज फ्रॉम डायलॉग डायलॉग के माध्यम से ना तो यहां पर फ्रॉम डायलॉग नहीं होगा यहां पर हम क्या यूज करेंगे इट शुड बी थ्रू डायलॉग द आंसर शुड बी थ्रू डायलॉग एंड पीसफुल मीन्स नॉट फ्रॉम इट शुड बी थ्रू डायलॉग एंड पीसफुल मीन्स बट ओनली आफ्टर इंडिया रिवोक्स इट्स डिसीजन ऑन कश्मीर ठीक है चलो ये आप लोगों का आज का होमवर्क एक बार ले लो जल्दी से सारे लोग आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पर आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना सेशन में कुछ नया चाहते हो क्या देखो ऑलरेडी हम आपको रिवाइज तो कराते हैं ठीक है हम आप लोगों को ऑलरेडी न्यू वर्ड्स भी करा रहे हैं जिसमें एंटोनेमोनेम वन वर्ड सब्सिट्यूशन ईडियम्स है इसके अलावा वर्ड्स रहते हैं उस दिन के आर्टिकल के आर्टिकल कुछ नया चाहते हो तो बताना सैटरडे वाला जो आप लोगों का जो डिमांड है ना दैट इज गुड फाइन अंडरस्टूड है हम इस पर काम कर सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस वाला लेकिन हमें इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा एक साथ आप लोगों के ठीक है तो वी विल हैव हाँ टू फिगर आउट कि हमें कौन सा सेक्शन इसमें पढ़ना है बेटा लेट्स डू इट मे बी हम लोग इसको भी जल्दी कर पाएंगे बट फिलहाल के लिए दैट इज ऑल फॉर टूडे आई होप आप सबसे आज का सेशन मेरे साथ थरली इंजॉय कराए सेशन पसंद आए तो इसे लाइक लाइक जरूर करें कॉमेंट करें शेयर करें फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें इसके अलावा याद रखिएगा कि आप लोगों की जिम्मेदारी अभी बढ़ेगी कम से कम एग्जाम्स अब तक नहीं है हर रोज पांच स्टूडेंट्स को जोड़ने की जिम्मेदारी ले लीजिए आप लोग ठीक है आ, दस बजे मिलना आज एडजेक्टिव्स है We are doing adjectives today. Do not miss the class there as well, right? Now there are certain suggestions about the basics wala, error correction wala class. We will be working on that as well. Okay? Till then take care of yourself. Lots of love. Keep learning. Bye-bye. Stay blessed. Take care.